किसका बर्थडे है आज वैसे? तेरा बर्थडे है, तेरा बर्थडे 23 बचे हैं, 25 मारते हैं। इतनी प्यारी तो स्टोरी डाल चुका है, दुनिया के आगे बदनाम कर रहा है कि मैं तेरे को मारती हूँ। तू मेरे को मारती है क्योंकि तू पहले मारता है मेरे को। गाइस आज बहुत इंटरेस्टिंग प्लान किया है पापा ने, प्लान किया है कि हम कामाक्षी को देने वाले हैं सरप्राइज, जिसमें घर वाले सारे शामिल है एक्सेप्ट कामाक्षी, उसको पता ही नहीं है। और हमने बड़े मुश्किल से कन्विंस किया है कि नहीं, उसका मुंह उतरा हुआ है। हाँ, उसे मुंह था कि फैमिली के साथ कर लेते हैं, बट हमने उसे ऐसे बोला, अब 25 साल की हो गई ना, अब तो ट्राई मारने दो। तो आज बर्थडे कल आ गई है, बर्थडे कल आ गई है, जल्दी आओ, जल्दी 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 तेरे लिए एंट्री करवाइए, जल्दी आ। अरे तेरे लिए वो करा रखा है, मैं खुशी का हंसू है। गाड़ी में रो रही थी कि कोई भी नहीं घर वाला है, मैं लेट हो गई, घर भी नहीं पहुंच पाऊंगी। ले गए क्या? उसके लिए हेडबैंड, फुआरे, सीटी। ये रिबन वाला नहीं है? रिबन वाला गलती से स्नो स्प्रे ला दिए, सो सो हर जगह गायब हो जाएगा, पर बेकार होता है। अरे पीछे देखो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। क्या कर रहे हो? जिम के नीचे से खरीद के लाई है, आज अकेली गई थी जिम। और छोड़ दे, दीवार दीवार की गंदी कर रहे हो यार। मक्षी क्या हुआ इस वजह से? मम्मी बेचारी कपड़ा मार रही है जो हमने किया है। बुआ के मुंह में देख। अरे भाई साहब, जिम करने गए थे, क्या करने गए थे? ऑटो से जिम चली गई, ऑटो से जिम आ गई, मुझे उठाया ही नहीं। हां देखा, 25 की हो गई हूं मैं। 25 की कैंडल मांगी मैंने, बहुत तेज नींद आ रही है। क्या बना रहा है कामाक्षी के बर्थडे पे? कामाक्षी के बर्थडे पे हम लोग बाहर खाएंगे, लेकिन मैं लंच आज बहुत अच्छा बनाने की कोशिश। क्या फिर भी आज मैं ऐसे एकदम मसाला, एकदम मसालेदार सोयाबीन। क्या सोयाबीन? सोयाबीन फैन ना हो गए ना मेरे तो बोलना। ए बे जाओ, भिंडी भी बना। हां भिंडी अच्छी चीज है, पर सोयाबीन कौन खाता है यार, इसको अच्छे में कहते हो? हाई प्रोटीन है। अरे प्रोटीन तुम खाओ भैया, प्रोटीन के नाम पे कुछ नहीं है, बेकार चीज बेकार रहती है। सोयाबीन मुझे पसंद नहीं भाई, बिल्कुल भी। देखो हर चीज हर इंसान को पसंद आई, ये जरूरी तो नहीं। आ ड्रिंक, ये बेच खाने लायक चीज ही नहीं सोयाबीन। खाते हो सोयाबीन? नहीं, ये तो बस जो ये सोयाबीन ना जबरदस्ती होड़ करता चिकन का। चलो भिंडी बननी तैयार हो गई, मुझे बहुत भिंडी। इसमें कौन खाएगा इतनी सारी? तो बनना है हल्की सी, एक आदमी तो बना रखी है। चलो बना लो, बना लो। नींद नहीं आ रही तुम्हें? सो गई फिर? बिल्कुल एकदम फ्रेश उठी हो। अरे मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले। अरे जीजू हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ तो एक ही बात है ना, घर में किसी का भी हो। किसका बर्थडे है आज वैसे? तेरा बर्थडे है, तेरा बर्थडे। अभी तो 26 बचे हैं। पानी लेके, फूल लेके, पानी लेके। 23 बचे हैं, 25 मारते हैं। इतनी प्यारी तो स्टोरी डाल चुका है, दुनिया के आगे बदनाम कर रहा है कि मैं तेरे को मारती हूँ। तू मेरे को मारती है क्योंकि तू पहले मारता है मेरे को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, सो हैप्पी। सो आज है हमारी कामाक्षी का बर्थडे, और वो आज हम उसका सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि वो 25 की हो गई है, और 25 साल बहुत लंबी उम्र होती है। अच्छा मैं मम्मी मम्मी यही वजह मैं बताती हूँ। गाइस आज बहुत इंटरेस्टिंग प्लान किया है पापा ने, प्लान किया है कि हम कामाक्षी को देने वाले हैं सरप्राइज, जिसमें घर वाले सारे शामिल है एक्सेप्ट कामाक्षी, उसको पता ही नहीं है। और हमने बड़े मुश्किल से कन्विंस किया है कि नहीं, मुंह उतरा हुआ है। हाँ उसे मुंह था कि फैमिली के साथ कर लेते हैं, बट हमने उसे ऐसे बोला, नहीं यार फैमिली के साथ आके कर लेंगे, बच्चा पार्टी किया नहीं है। अब 25 साल की हो गई ना, अब तो ट्राई मारने। तो ये है कि हम लोग ना आज जा रहे हैं, हमने पहले से ऐसे कौन डराता है यार। डरा दिया। अरे मैं ब्लॉग कर रही थी ना, अचानक से तुमने गेट खोला, हॉ किया। प्लान ये है कि हम, मैं, कामाक्षी, मयंक, दीदी, जीजा, हम लोग जो भी दूसरे एज के हैं।
मम्मी कामाक्षी से सडन आ गई ना, हम सब लोग ऐसे ही, हमने बोला हमें कामाक्षी पार्टी चाहिए तुमसे, और अब तो तुम जॉब भी करती हो तो हमें पार्टी चाहिए, तो हम लोग पार्टी के बहाने उसको लेके जाएंगे। हमने ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बुक करवा दी थी एंड बहुत अच्छे से प्लान करवा रखा है कि हम उसके बाहर सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें सारी फैमिली, जो हमारी पूरी फैमिली है इन लॉज की तरफ की, वो सब लोग आएंगे। पहले वहाँ पे मम्मी पापा पहुँचे हुए होंगे, हम लोग टाइम लेके वहाँ पे पहुँचेंगे ताकि किसी को पता ना चले कि मम्मी पापा आ रहे हैं, इसलिए वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कुछ भी नॉर्मल है हमारे लिए, घर पे कुछ भी मंगा दो हम लोग खा लेंगे, आप बच्चा पार्टी जाओ, ऐसा कामाक्षी उसे डाउट हो जाएगा तो समझ कि सरप्राइज मिलने वाला है। पापा हाँ जी? हम तो जा रहे हैं आपको छोड़ के, बहुत मेहरबानी तुम्हारी, पापा हम तो जा यहाँ सब लेटे हुए, ये देखो मयंक भी आराम कर रहा है, जाने के रेडी तैयार नहीं होना है और 6 बजे निकलना था, तो आज मैं पहनूंगी मेरी ये ड्रेस, नाम का बर्थडे है, चलो ठीक है फिर नाम के बर्थडे के लिए रेडी हो जाओ चलो। A few moments later. हम सब रेडी हो चुके हैं बट घर वाले बिल्कुल रेडी नहीं हो, वो ऐसा प्रिटेंड करें जैसे कुछ है ही नहीं, हम लोग ही लंच के लिए डिनर के लिए जा रहे हैं और उधर बातें चल रही हैं, सबसे ज़्यादा लेट है मयंक एंड मैं को सबसे ज़्यादा टेंशन है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, हम ज़रा देख सकते हैं कौन है वो क्यूट सा बच्चा। हाय मैं सदके जावा, मैं सदके जावा। माशू ये बुआ का सामान क्यों निकाल रही हो? शोनी गोली बहुत क्यूट लग रहा है मेरा बेटा, अलमारी चोनी बेटी ले ले। अच्छा सोना तो बंदर कहाँ है? इधर आओ, कहाँ है बंदर? चलो चलो ये नहीं हमारी बर्थडे कल, अरे बर्थडे कल वो तो दिखा दो आउटफिट ऑफ द डे, OTD, हाँ आउटफिट ऑफ द नाइट, OTD9N ऑफ द नाइट। हाँ मंगा लेंगे, केक लेके आना। अरे केक तो हमने लिया ही नहीं किसी ने, ठीक है चलो ठीक है, क्या आदत है जल्दी शादी करवा रही है, अगले साल है जीजा, अगले साल है शादी। हाँ कामाक्षी कह रही है मैं 25 की होगी, कोई तो मेरी शादी करवा दे। ये देखो पापा का ड्रामा, थोड़ा सा पापा थोड़ा झूठ दिखाएंगे, ऐसे मुस्कुरा के दिखाएंगे किसी को। और पापा पापा कैसे हो? बहुत बुरा लग रहा है, हम छोड़ के जा रहे हैं। फाइनली मायशा उतर के तो बैठी, पीछे जाएगी अभी हम रास्ते के बीच में रुक के वेट कर रहे हैं अक्षर भावना का। क्या बारिश गाड़ी की सीट पे बैठी हुई है ये, ओ माय गॉड हमने गाड़ी मोड़ दी, ओ शिट मायशू ये लाइट कैसे जल रही है? हमने अभी जस्ट कामाक्षी का केक लिया है, ओ माय गॉड पानी अंदर ले, कहाँ से लिया है? पानी अंदर ले, हमने लिया है चाचू, थियो होगा थियो ब्रोमा या दा ओ ब्रोमा कुछ भी है, इससे लिया है दा ओ ब्रोमा लग रहा है, थियो ब्रोमा, थियो ब्रोमा ज्यादा अच्छा लग रहा है, थियो ब्रोमा। हाँ हमने यहाँ से कामाक्षी के लिए केक ले लिया। आज मैंने पूरा जिम किया, कम से कम 5 किलोमीटर वॉक किया, जाम में खड़ो के जाम, ये पूरी टी शर्ट घिलची हुई है, शायद आप में से किसी या आप में से किसी सब्सक्राइबर ने मुझे देखा भी होगा जाम में खड़े, क्योंकि मेरे 2-3 दोस्तों ने मुझे देखा जाम निकलवाया है भाई, मतलब लोगों को चलने की सेंस नहीं है, रॉन्ग साइड आ रहे थे लोग, काफी रॉन्ग साइड आ गए थे लोग। अब फाइनली 3 घंटे लगे 20 किलोमीटर में के अंदर, हमें 3.25 घंटे लगे, अब जाके मैं अपने दोस्त से कैफे बर्नआउट गुड़गांव में पहुंचने वाला, और वो द्वार से बना है बहुत सुंदर, इसलिए कामाक्षी के लिए ये डेस्टिनेशन चूज की थी, पर लगा नहीं था कि इतना जाम लग जाएगा। कामाक्षी बन गया बड्डे, पापा का फोन आया, क्या कर रहे थे? 9:30 बजे पापा का फोन आया, बेटा बहुत देर हो गई, कितनी देर में आ रहे हो? कितनी देर में आ रहे हो? तो अभी पहुंचे ही नहीं है पापा, अभी तो आएंगे, अभी कट नहीं है जीजा, जहाँ तक लगे वहां तक पहुंचा दबा के सीधा कर दो गाड़ी को, ठीक है? मैंने जीजा को बोला जीजा आप गाड़ी चलाओ, ये मत बोलना कि कैसे तक जीजा से चलवा रहा गाड़ी, जाम में मैंने पकड़ा है और मैं खुद पैदल भागा 5 किलोमीटर, मैं एक अच्छा साला हूँ। जीजा जीजा ऐसा था, सांस भूल गई, अब तक टी शर्ट मेरी पूरी गीली है। 3.5 घंटे के बाद हम पहुंच गए हैं बर्नआउट कैफे, ये रहा, हम लोग सोच रहे हैं कि मम्मी पापा पहुंच चुके होंगे क्योंकि वो भी 3.5 घंटे जाम में फंस के आए हैं। कामाक्षी का पूरा मूड ऑफ है बट शायद उसका मूड ऑफ अच्छा हो जाए, लेट्स सी, लेट्स सी, देखते हैं इसका रिएक्शन। आजा बर्थडेगर्ल, आ जाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ, बर्थडेगर्ल आ गई है, बर्थडेगर्ल आ गई है, जल्दी आओ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी कर लिया एंट्री करवाइए जल्दी आ। सब जल्दी आओ, आजा जल्दी आ,
अरे आना तेरे लिए करवाया है। कैसा लगा? सब आ रखे हैं, क्या बात है। अरे तेरे लिए वो करा रखा है, उसमें चल जाना। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। रोने वाली है, रो जा, रो जा। ये गाड़ी में कह रही थी आज मैं घर नहीं जा पाऊंगी। ये बर्थडे कभी जन्म खुशी का गाड़ी में रो रही थी कि कोई भी नहीं घर वाला है, मैं लेट हो गई, घर भी नहीं पहुंच पाऊंगी, तो फाइनली घर वाले आ गए ना, इसमें रो रही है। अरे शायद चुप तो करा दो। ये सब कामाक्षी के लिए करवाया गया है। देखो तो अपने मम्मी से मिल लिया, मेरे को लग रहा था मम्मी परेशान हो ली होगी तेरे लिए। कामाक्षी की शक्ल देखो कैसा लगा, कामाक्षी कैसा लगा? मैं बस रो नहीं पा रही हूँ, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। शायद इतना आखिरी बर्थडे घर में इसलिए पापा ने बोला। हाँ यही बोला गया था हमें। हाँ अभी यही है। कह रहे हम और एक साल में हो जानी है इसकी शादी। बड़ा अच्छा किया है। अनएक्सपेक्टेड था कामाक्षी के लिए। और जब हमने जाम देखा 7 बजे के निकले और 10:30 बज चुके हमने, तो कामाक्षी ने वैसे उम्मीद छोड़ दी थी। हमने पहले ही मैंने उनको टेक्स्ट कर दिया था सारे ऑर्डर्स के लिए कि आप जल्दी जल्दी लेके आना, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी है तो स्टार्टर्स तक ही स्टार्ट हो जाए। सच्ची में लग रहा था कि एंट्री वेंट्री में कुछ करा रखा है कि बार बार कॉल आ रहे हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी का लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज है। सब लोग यहाँ पर है, इससे बस मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं। कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं दे सकता। बात स्टार्ट खा ले, मेन को संदर करेंगे, हबके काटेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने एसी सेटिंग ले ली, दोनों के मजे, इंडोर भी आउटडोर भी बढ़िया। क्या हो गया? यही तो केक है, केक लेके आए कामाक्षी। हाथ मत लगाना, हाथ चिपक जाएगा। नाइट्रोजन है, हाथ मत लगाना, हाथ चिपक जाएगा। हाँ नाइट्रोजन है वो, दोनों ये फूड नाइट्रोजन है, गिर जाओगी। तू भी झूल ले, तेरा भी बर्थडे, तू भी झूल ले, आजा। ये रहा एक झूला खाली है। कामाक्षी सरप्राइज कैसा लगा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तू रो भी गई, रो भी गई, इमोशनल हो गई। हैप्पी बर्थडे।
पार्टी के बाद सबको बाय 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 गुड गर्ल अंदर चलो बाय बाय करना है घर चल रहे हैं नानी पास नहीं सोनी बेटा नानी पास चलना अच्छे माशु नानी को बोल दो नानी लव यू नानी बच्चा अम्मू लव यू अम्मू लव यू मीनू लव यू मीनू लव यू बड़ी मामी बड़ी मामी लव यू लव यू छोटी मामी जल्दी बोलो अच्छा ऐसा लास्ट बोल दो छोटी मामी छोटी मामी अच्छा मामू को बोल दो राजू मामू को बोल दो राजू मामू लव यू सबको लव यू आफ्टर ऑल फाइनली बहुत अच्छे से हो गया जो हमने सोचा था बहुत अच्छे से हो गया yes, अब हम सब घर वापस जा रहे हैं घर पे मिलते हैं बहुत मम्मी और बहुत ही अच्छे से 25th बर्थडे का मार्कशीट का हो गया है और वो जिंदगी भर याद रखेंगे इस चीज को मेमोरीज आके चेंज कर लिया काफी थक गए हैं क्योंकि हम 3-3.5 घंटे उस गुड़गांव वाले रोड पे इतना फंसे रह रहा भाई साहब पूरी ज़िंदगी में मैंने इतना जाम नहीं देखा गुड़गांव के रास्ते पे पर कामाक्षी खुश हो गई एंड यस अब तो नेक्स्ट डे भी स्टार्ट हो गया है 1:30 बजने वाले शिट सोना है आशु सो चुकी है एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू सबको गुड नाइट आई लव यू गाइज नेक्स्ट व्लॉग में ब्लॉग आता होगी बिल्कुल और हमारे घर में कल बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है प्रॉब्ली कल तो क्या होगी वो खुशखबरी ज़रूर देखना नेक्स्ट व्लॉग ओके बाय